फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी चैप्टर से मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे इस क्लास में कि व्हाट आर द मेजर्स, कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिससे पॉवर्टी रिमूव हो पाएगी। फर्स्ट वन इज कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। व्हेन जीडीपी ग्रोज, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एंड पॉवर्टी रिड्यूसेस। कैसे करना है पॉवर्टी को रिड्यूस या इरेडिकेट। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से क्या होता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट वन इज कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। अब पॉवर्टी को कैसे, पॉवर्टी का जो लेवल है वो कैसे इम्प्रूव करना है या पॉवर्टी कैसे रिड्यूस करनी है, आप ये बोल सकते हैं। फर्स्ट है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? फिस्कल मेजर्स मीन्स पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट प्लेस इज प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, इट मीन्स हायर टैक्स रेट ऑन द रिच एंड पुअर पीपल आर फ्री फ्रॉम टैक्स। सब्सिडीज ऑफर्स टू द पुअर पीपल ऑन आइटम्स लाइक क्लोथ, फूड, हेल्प इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। तो इसमें क्या होता है, फिस्कल मेजर्स होते हैं जो पॉलिसी रिलेटेड होती है टैक्सेशन से, सब्सिडीज थे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर टैक्स स्ट्रक्चर रिच पीपल पे, हायर रेट ऑफ टैक्सेस रिच लोगों पे लगा के पुअर पीपल को फ्री फ्रॉम टैक्स कर देते हैं, जिससे उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो पाए, उनपे टैक्स का बर्डन ना आए। और कुछ इसमें क्या होता है, सब्सिडीज ऑफर करते हैं। सब्सिडीज किस पे ऑफर करते हैं, जैसे क्लोथ पे, फूड पे, जिससे क्या हो उनका लेवल इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या होते हैं, लीगल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है किसके लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इसमें क्या आता है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट बनाए गए। मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या होता है, मिनिमम वेजेस आपको एम्प्लॉयज को देनी पड़ेगी, जिससे क्या हो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रह पाए, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे फॉल ना कर पाए। जैसे एक ये एक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज प्राइस फ्लोर पॉलिसी, इंक्लूड्स मिनिमम प्राइस ऑफर टू फार्मर फॉर परचेज ऑफ फार्म इन आउटपुट। इस पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड कर देगी किसी भी फूड ग्रेन्स के या किसी भी चीज के, कि आप इसकी प्रोडक्शन करो, आप इसका एग्रीकल्चर करो और हम आपको इतना मिनिमम रेट ऑफर करेंगे आपके आउटपुट पे, हम इतने रुपए में खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको लॉस नहीं होगा और वो ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज का एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो, आपको पता है कि इन कंट्री लाइक इंडिया पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज नेशनल इनकम तो बढ़ती है बट लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाता, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से नेशनल इनकम तो बढ़ जाती है बट नॉट इंक्रीजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाता। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता तो वो क्या होता है, पॉवर्टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पॉवर्टी वैसे की वैसे ही रहती है, ओके। देन अनदर पॉइंट इज अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर। और क्या मेजर्स हैं जिनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी पुअर पीपल की। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय अडॉप्टिंग मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स, बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज टेक्निक से। इससे क्या होगा, जब मॉडर्नाइज टेक्निक अडॉप्ट करेंगे, बेटर मीन्स ऑफ इरिगेशन अडॉप्ट करेंगे, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, इससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी और पॉवर्टी कम होगी। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट प्राइस कंट्रोल मेजर्स सो दैट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विल नॉट इफेक्टेड। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्राइस कंट्रोल, चीजों के प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे, कंट्रोल करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो जो पुअर पीपल है उसको अफोर्ड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे सामान को। जब वो सामान को खरीद पाएंगे तो वो पॉवर्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे और वो पॉवर्टी लाइन के बिलो फॉल नहीं कर पाएंगे, जिससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड वन इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेप शुड बी टेकन to eradicate unemployment by developing more and more industries so that poor people will get job.
कैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसको हटाने के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, गरीब लोगों को, जो पुअर पीपल है, उनको जॉब मिल पाए और इससे वो इनकम जनरेट कर पाए। नेक्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वो टेक्निक होती है जहां पर लेबर से काम कराया जाता है, जहां लेबर एंगेज होती है, रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है या मशीन इंटेंसिव, जिसमें मशीन का यूज किया जाता है। तो इन कंट्रीज लाइक इंडिया हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और वो इनकम जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि पुअर पीपल को मिनिमम नीड्स मिल पाए। मिनिमम नीड्स क्या होती है, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, जिससे उनका पॉवर्टी लेवल कम हो पाए। नेक्स्ट वन इज स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। गवर्नमेंट शुड ऑफर फैसिलिटीज टू बैकवर्ड रीजन्स लाइक उड़ीसा, नागालैंड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल फोकस, जैसे बैकवर्ड स्टेट है ना, उड़ीसा, नागालैंड एंड सम यूपी के कुछ पार्ट्स हैं, जिसपे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, जिसमें उनसे क्या हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी लॉन्च टू अपडेट द स्किल्स ऑफ द पीपल। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है, जहां पे फोकस किया जाता है कि उनकी स्किल्स डेवलप हों, वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचें, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें। इससे क्या होगा, उनको आइडियाज मिलेंगे, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे और इनकम जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एन इफेक्टिव पीडीएस सिस्टम मस्ट बी इन प्लेस फॉर सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन एंड अदर एसेंशियल्स टू द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। एक गुड पीडीएस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, सबको क्या मिलेगा, सब टाइम पे फूड ग्रीन्स मिल पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट और अदर एसेंशियल मिल पाए जो पुअर पीपल ऑफ द कंट्री है उनको। तो एक गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी पॉवर्टी रिड्यूस हो पाएगी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स से, मेजर्स से, जिनसे पॉवर्टी रिड्यूस हो पाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।